बारिश हुई है ना ता करके इस वास्ते ना निकली था वहां ठंडी ठंडी थान तक ही निकली है छुट्टियां अगर छुट्टियां नहीं हुई नजर आने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम उम्मीद करती मेरे भैन भरा ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह सी भी ठीक है अल्लाह पाक तन खुश रखे आबाद रखे ते आज दा व्लॉग करदे शुरू माशाल्लाह जी ने तो तीन दिन बल्कि चार दिन तो ना मौसम जेड़ा ना बड़े प्यारा बनया होया वा ते बड़ा मजा आंदा वा ते अगर गर्मी भी नहीं हुंदी नाले नहीं ते इतनी गर्मी हुंदी कि बर्दाश्त भी नहीं थी सकदी ओ जेड़ा मौसम ठंडा ना तो सुकून अम्मा जी कह रहे कि मिर्चा जड़ी है ना इन केयर की इन्हें संभालिया फिर भी जो मिर्चा नहीं लगदी फुल लगते फिर सुक जाते इस वास्ते ने इन्हों अज पट दी पट के एक जी बराबर कर देने नाले एक दीवार जी ना पानी नहीं पाएगा दीवार ये भी साफ सुथरा कर लेंगे कुकरां दे विच इन्नी टिड्डियां एडी एडी वड्डियां निकल गई वरना जिहड़ियां कदे देखियां भी नहीं है काले रंग दियां बारिश हुई है ना ता करके इस वास्ते ना निकली थां वा ठंडी ठंडी थान तक ही निकली टिड्डियां अगर टिड्डियां नहीं हुई नजर आंदी अलहमदुल्ला किचन की सफाई वगैरह भी हो गई है नाले ना चूल्हे की साइड तो खराब हो गए बारिश की वजह तो मिट्टी गिद्धी हो गई तो हूँ जो माशाला पोचा लगाता देने फिर सुक गए तो सोना बन जाऊगा तो जिंद घर खुश होता तो उनके घर हम अपनी हांडी रोटी का तैयारी कर लेंगे माशाल्लाह जी सराना पुदीना तो धनिया की चटनी जी ना बड़ी मजेदार लगी सी इस वास्ते ना खत्म हो गई है तो हूँ दोबारा जी अभी लियाती है लिया के बना के रखा ये है कि कभी दुध के पा ली चटनी थोड़ी जी तो कभी दही के पा ली रायता बना लिया कभी अद्धी चटनी खा ली उद्दी बड़ी मजेदार लगती सारे ना भी होवे ना तो बंदा चटनी रोटी खा लेंगे जी खरबूजे दिल्ला से ना मैं सीधे पट दी है क्योंकि ना कोई पता नहीं है इतने मंडिये डक पैने कोई ना कोई सप सुप इतने आ गया तो फिर किसी ने लड़ जाए इस वास्ते सारा कुछ ला भी झाड़ गई ला दे जो लाण लगे खरबूजे दिल्ला से देखो खरबूजा लगना शुरू भी हो गया सी छोटा जहा लगा हुआ पर हम खरबूजे लगे तो भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि हम सारी नक्या खरबूजे वेलन सारी पट गए बंद करेगा
अलहमदुल्ला दाल भी तौली अज मैं बना ली चने की दाल तो मसाला वगैरह मैं कट के धो के रख लिया हूँ जरा सब तो पहले हांडी बना जल्दी कर मुड़ा मैं दूसरा इस वास्ते रखे वा ताकि ना नीचे मैं रखूंगी ना तो मिट्टी मुट्टी लगेगी तो कोई हवा तो ना उड़ती है तो फिर ये जाएगी इसलिए ना हम उपर आ दिता ना हम एक टेंशन नहीं होगी मिट्टी की हूँ रात जी वा लंबिया हो गई तो दिन छोटे हो गए रीत जरा ना कि दिन जोड़े ना छोटे होया करने तो रात जड़िया होया करनी तो बंदा सौ सौ जरा थक जा करना कि हेर दिन ही नहीं चढ़ाते है तो बाबा ही लंबी रात हो गई है। अम्मा जी ने ना ही चटनी बनाना स्टार्ट कर दिता तो ना ही मैं हांडी भी उपर रखनी शुरू कर दी दाल जी मैं सब तो पहले उबाइल होने वास्त बस ये है कि ना जल्दी ना अग बल जाए क्योंकि लकड़ियों में छेती अग ही नहीं लगन दी है हवा इन्नी तेज़ चल रही थी इस वास्ते मैं जो दूसरा चार्जिंग वाला चूल्हा ना यही मैं इस्तेमाल कर दी है लो जी जो चमड़े तो अग लगा दी है तो हूँ देखिए कि पखा चल लिया ना है ना आवाज़ देखो ये पहचानो कि किस तरीके हम अग जी छेती है चल जाएगी ये हम फूका मारन की भी जरूरत नहीं पखा आप ही हवा दे देता है ताकि लकड़ियों अग लग जाए माशाल्लाह साढ़े बहुत ही प्यारे आपी ने उन्होंने सानू बहुत ही प्यारा मशवरा दिता वा आपी ने कहा वा कि तुसी ना मुर्गियां रख लो दो ताकि घर के तुहाडे अंडे जाने के ना सर्दियां भी आ रही अंडे जड़े ना सर्दियों ने माशाल्लाह बड़े मजेदार लगते हैं इंशाल्लाह घर के अंडे भी हो जाएंगे तो इंशाल्लाह एन करीब जरा असं अपने मुर्गियां भी लै लेंगे तो घर के जो अंडे देने आए जो उदन ना सानू ज़्यादा खुशी होएगी इंशाल्लाह जी माशाल्लाह जी साढ़े घर ना मेहमान है अल्लाह ताला दी रहमत आई है तो हम जल्दी ना ना पानी शानी पिलाने हैं बोतल मंगवा ली एक लहसुन पा के देख के बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बेगम साहबा ने कहा कि रोटी जी ने मेहमाना वास्ते तंदूर तलवाओ तो मैं आ गया हूँ तंदूर से मेरी बेगम साहबा भी नाल है ये की खा रही वाह भी वाह आहो अलहमदुल्ला तंदूर तो रोटियां लवा के घर वापस आ गए हैं तो नाल मैं टिफिन च रखी हैं ताकि ना ठंडिया ना हो जाए तो मैं फटाफट हूँ ना कोलियाँ धो के जो मेहमानों को खाने छाने मेहमान जे कहते कहने साढ़े घर जो बंद जाए वा तो हवा ही नहीं लगती है तो इतने माशाल्लाह जी बहुत सोहनी हवा लगती है कि दिन ना सुकून हो जाता है इदा घर देख के बैठ के बहुत अच्छा लगता
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵਾ ਪੁੱਤੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਰੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਖਾ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੈਂ ਬਾਲ ਲੈਂਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਠੰਡਾ ਮੁਸਠਾ ਮੌਸਮ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਵਸ ਇੱਕਦਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੰਖਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖਿਲਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਖਲਾਰੇ ਕੁੰਝ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਮੇਟ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੰਖਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੇ ਵਿਛੇ ਪਏ ਆ ਨਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਹਾਂਡੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਬੰਨ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲਣ ਹੈਗਾ ਗਰਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੇਫਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਟ ਚੜ ਰਹੀ ਨਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਆ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਵਾ ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਪਹੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਖੜੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਰ ਪਹੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀ ਦੀ ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਰ ਪਹੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਾਰ ਪਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਲੈਫਟ ਸ਼ੇਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਤੂਫਾਨੀ ਪੰਖਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਹਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲੇ ਵਾਪਸ ਸੀ ਹੋਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ ਆਪਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼